यहाँ पे पहले बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे। 1.5 किलोमीटर की एरिया में एक बार हमने गिनती की थी तो 350 के आसपास लोग डेथ हुई थी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज मोहित एस और हमारे सौरभ दा। आज का क्या प्लान है फिर? आज चिकन पार्टी करते हैं। आज चिकन पार्टी होने वाली है सौरभ दा की तरफ से। हाँ, मेरी तरफ से ऐसे सारे के सारे। तो आपसे मिलते हैं सीधा शाम को। जो पार्टी नहीं होगी फिर क्या करेगा? व्लॉग शुरू कर दिया पार्टी के नाम पे और पार्टी नहीं हुई तो व्लॉग यहीं पे खत्म। मैंने तेरी कितनी बढ़िया फोटो खींच दी है। हेलो गाइस, बढ़िया नहीं है ये? मुझे लग रहा तेरा व्लॉग क्या लग रहा है? मुझे लग रहा तेरा व्लॉग मेरे उससे चल रहा है। बाकी सब बंद हो जाता है शायद। वही मैं भी सोच रहा हूँ, यहाँ से देहरादून जब चले जाऊंगा तो फिर किसको दिखाऊंगा। वही ले चलो। स्टेडियम बिल्कुल। रोटी, प्लेन रोटी खा रहा मैं आजकल। लेकिन रोटी कहाँ है? पिज्जा है। ये देख भाई, देखो इतना बढ़िया बना है। ये ऊपर से इसमें जो बीच में क्या पड़ते हैं बहुत सारी सॉस और चीज वगैरह हो गया और ये ऊपर से वो हो गई। बस एक और इसकी वो है स्टफ है ऊपर का। बस बढ़िया, बस जिसको अब इसी में रख दे, ज्यादा कुछ नहीं। ये सोच रहा मैं उठा के ले जाऊं खा लूं। ये भाई ले उठा भी लिया इसने कैमरा बंद करते ही। जो पार्टी नहीं होगी फिर क्या करेगा? व्लॉग शुरू कर दिया पार्टी के नाम पे और पार्टी नहीं हुई तो व्लॉग यहीं पे खत्म। हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज मोहित एस और अभी आप देख रहे होंगे मैं हाईवे पे खड़ा हूँ। जो पार्टी नहीं होगी फिर क्या करेगा? पार्टी नहीं हुई तो व्लॉग यहीं पे खत्म। और अभी मैं निकल रहा हूँ देहरादून को और मेरे साथ उधर पापा हैं और एक अंकल हैं। ये मेरे पापा के फ्रेंड हैं। तो अभी निकल रहे हैं हम, सुबह का टाइम है, लगभग 7:30 हो रहे हैं अभी। यहाँ पे अभी हम घर से तो निकल गए थे पहले थोड़ा और अभी यहाँ पे लोकेशन काफ़ी अच्छी थी और थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे तो इस वजह से हम, और ये लोकेशन कुछ ऐसी है। तो अंकल आपको पहाड़ ज़्यादा अच्छा लगता है या बाहर को जाना? अब मुझे पहाड़ बहुत अच्छा लगता है। ये कितने क्यों से हम देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने जो इसको सजोया है, इस पहाड़ को, ये अमोल खजाना है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है ये पहाड़। हाँ, चारों तरफ बस जुड़े हुए हैं। और हमें ठीक है, शहरों में चकाचौंध जरूर है लेकिन वास्तविक जो प्राकृतिक आनंद है इन्हीं पहाड़ों में छिपा हुआ है। हाँ, शहर में बस वही है जो अंकल ने बोला, चकाचौंध है बस। वैसे जो नेचर है और जो यहाँ अलग ही, यहाँ का हवा पानी अलग ही रहता है पूरा। और ये देखो आप चारों तरफ, और पापा भी हैं साथ में आज। तो चलते हैं फिर, अभी आगे मिलते हैं आपसे। मुझे तो निकालेंगे, आप तो थक जाओगे। वहाँ निकालेगा फिर मैं आगे थोड़ी चलाऊंगा। प्लेन थोड़ी चलाएगा वहाँ? चलो देख लेंगे। प्लेन आज चलाएगा ना? अरे हाईवे में चलाएगा कौन? चला चलाएगा? मैंने अभी हाईवे में चला ही नहीं है। क्या? हाँ आगे तो वैसे ठीक है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ बैंड मोड़े होने से तो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो यहाँ पे है एक नव दुर्गा मैया का मंदिर है। तो ये यहाँ पे अभी हम थोड़ा दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं।
हाँ तो ये जो मंदिर है मतलब यहाँ पे पहले बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे और मतलब बहुत गाड़ियां वगैरह नीचे खाई में बहुत गिर जाती थी, तो उसके बाद से ये मंदिर बना है ना पापा। एक्सीडेंट होते थे यहाँ पर कई बार काफी, और वहाँ पे लिखा हुआ भी था जो मैंने आपको भी दिखाया था। हाँ, वो पीएससी की गाड़ी गिरी थी। हाँ, उसमें एक पूरी गाड़ी गिरी थी, उसमें तो पूरी लगभग यहाँ पे। फिर जब से मंदिर बना तब से ये काफी कम हो गया है, कम हो गया है, मतलब ना के बराबर ही हो गया इस स्पॉट पे, तो नहीं तो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था यहाँ पे। कम से कम मैं लगभग 18-20 साल रहा, 1.5 किलोमीटर की एरिया में एक बार हमने गिनती की थी तो 350 के आसपास लोग डेथ हुई थी। तो ये अंकल पहले पोस्टिंग अंकल की यहीं पे थी आसपास में ही, तो इसलिए वो बता रहे हैं अभी कि 1.5 किलोमीटर के अंदर लगभग 300 डेथ हुई थी करके। तो फिर उसके बाद मंदिर बना, तो उसके बाद से ये सब काफी कम हो गया। मंदिर वो बना, यहाँ पर अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। अब तो रोड भी काफी चौड़ी होगी और मतलब एरिया जो है वो बहुत बढ़ गया है, पहले काफी छोटा सा था सड़क जो भी है, ये रोड पहले सिंगल लेन थी। तो अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे, जाते हैं थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, सुबह सुबह आ गए थे। ओ भाई आज का मौसम देखो क्या ही लग रहा है भाई। तो भाई यहाँ से खा लिए हमने बढ़िया गर्मा गर्म पराठे। तो हमने यहाँ से अभी बढ़िया नाश्ता कर लिया है, मैंने तो पराठे खाए, पापा लोगों ने रोटी और सब्जी, मोहनदा के पराठे। मेरे जूते, मैंने चप्पल पहने हुए थे और जूते डिग्गी में थे, तो अभी जूते निकाले और पापा कह रहे हैं कि अब तू चला, देखते हैं अब मैं चलाता हूँ गाड़ी। सीट बेल्ट लगाने, अरे अब मैं बोलूँगा नहीं कुछ, आप रख दो हाँ। तो भाई अभी हम आ गए हैं पहाड़ से नीचे पे आ गए हैं, बछड़िया कहते हैं इसको, और अब समय आ गया है ये शीशे लगाने का, क्योंकि अब यहाँ उमस बहुत हो गई है गर्मी। अभी तक तो हम बिल्कुल नेचर का ऐसा लग रहा था एसी चल रहा होगा वहाँ, अब यहाँ तो भाई गर्मी शुरू हो गई है बिल्कुल, अब शीशे चढ़ाते हैं और एसी खोलते हैं। स्मूथ चल रही है बिल्कुल, रोड कितनी प्यारी है देखो, बिल्कुल सीधी एकदम। स्पीड कम कर चलाना, अभी तुमने बहुत ज्यादा स्पीड चला दी, 120 तक चला दी, ऐसा नहीं करते हैं। तो अभी हो गई है सीट फिर से चेंज और गाड़ी चलाने लग गए पापा। इतना मुझे आइडिया नहीं है, मतलब इतनी मैंने चलाई नहीं है ज्यादा, तो पैर भी थक गए मेरे, और मेन बात तो रस भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो इसलिए अब पापा चलाएंगे और मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। अब पिटाई खाओगे बेटा? पिटाई खाएगा ना मेरा बेटू, तो आयो आयो मैं दू मिठाई। कहाँ है बाबा मिठाई? कहाँ है मिठाई? कौन लाया मिठाई है बाबा? मिठाई खाओगी या पिटाई खाओगी? पिटाई खाओगी या मिठाई खाओगी? लाओ लाओ मैं दूं, लाओ मैं ही दूं, इधर आओ, रुको मैं दूं, इधर आओ।
तो लंबा हो गया क्या इतने?